हाय गाइस, माय नेम इज शेखर बरूला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे गवर्नेंस का चैप्टर, और हमने ये जाना था कि गवर्नेंस जो है ये चैप्टर इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट पढ़ रहे हैं, तो गवर्नेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आईटी गवर्नेंस के बारे में पढ़ना है। लेकिन आईटी गवर्नेंस से पढ़ने से पहले हम गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं, ताकि कॉन्सेप्ट सारे हमारे पूरे हो जाएं। हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो हमें पता चल जाए कि गवर्नेंस किस तरीके से है। इवन किसी कंट्री में जाएं, अगर मान लिया इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट के रूप ऑडिटर के रूप में हम किसी कंट्री में जा सकते हैं, क्योंकि ये ऑडिट हर कंट्री में हो सकता है। इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कहीं पर भी जा सकते हैं आप, US जा सकते हैं, लंदन जा सकते हैं, इवन अफगानिस्तान जा सकते हैं। अफगानिस्तान में जाकर अगर मान लिया सपोज आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम का ऑडिट करना पड़ा, या इराक में करना पड़ा, या अफ्रीकन कंट्री में करना पड़ा, आजकल नाइजीरिया वगैरह की काफ़ी वैकेंसीज वगैरह रहती हैं, वहाँ पर करना पड़ा और बहुत सारी कंट्रीज़ में करना पड़ा, तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होनी चाहिए, गवर्नेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। तो हमने ये जाना था कि एंटरप्राइज गवर्नेंस एक इमर्जिंग टर्म है, नया नया टर्म आया, बहुत ज़्यादा उसका अभी चीज़ें क्रिस्टलाइज नहीं हुई हैं। और हमने ये भी जाना था कि आईटी गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। आईटी गवर्नेंस पहले इनेबलर था, यानी हेल्प करता था, एक बैसाखी था। एक आदमी का कोई प्रॉब्लम होती है तो कई बार वो बैसाखी का यूज़ कर लेता है, आँख में चश्मे का यूज़ कर लेता है, लेकिन धीरे धीरे वो चश्मा जो है आपका कॉन्टैक्ट लेंसेज में तब्दील हो जाता है, और आप कुछ दिनों बाद वो कॉन्टैक्ट लेंसेज जो हैं आपकी आँखों में ही तब्दील हो जाएंगे। यानी आँखों में जो आपका जो आँखों का कॉर्निया है, साइंटिस्ट ये ट्राई कर रहे हैं कि वही एक बायो मेडिकल डिवाइस बन जाए, बायोकेमिकल डिवाइस बन जाए, और जब भी आप आँख देखें तो आपका विजन कम विजन ना हो, आपका आँखों का विजन इन्हेंस्ड विजन हो, जैसे टर्मिनेटर फिल्म में आपने टर्मिनेटर का देखा। तो यानी कि रात को अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको लाइट जलाने की जरूरत ना हो, मतलब इस तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं मार्केट में। तो आईटी भी उसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, पहले वो बिज़नेस इनेबलर था, बिज़नेस को लेबल करता था, हेल्प करता था। आईटी से क्या होता है, ईमेल शीमेल आप तेज़ी से कर लेते, एक्सेल से काम कर लेते थे, पर अब उसका वो बिज़नेस का पार्ट बढ़ता जा रहा है। और कुछ दिनों बाद जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाएगी तो वहाँ पर 100% बिज़नेस के डिसीजंस आईटी ले सकेगा। अभी वो दूर हैं, करीब 30-40 साल और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लगेगी। हो सकता है कि ये माना जाने लगा है कि सबसे पहला स्टेप बिज़नेस इंटेलिजेंस है। बिज़नेस इंटेलिजेंस के बाद जो कंपनी में CEO बैठा होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बैठा होगा, या CFO बैठा होगा, वो पार्टली एक कंप्यूटर होगा। ठीक है, उसमें उसको देखने के लिए बोर्ड्स होगा, फाइनल डिसीजन उसके होंगे, लास्ट में ह्यूमन बैठा होगा, लेकिन नीचे जितनी ऑटोमेशन बढ़ता चले जाएगा। तो कहने का मतलब अगर इस टर्म्स में आप सोचेंगे तो आप जानेंगे कि आईटी की क्या वैल्यू बढ़ रही है। और चूंकि आईटी की वैल्यू बढ़ती चली जा रही है, तो आईटी बिजनेस इनेबलर की जगह स्ट्रेटेजी का पार्ट होता चला जा रहा है। लेकिन उससे पहले हमने ये जाना था कि उससे पहले हम गवर्नेंस को पढ़ लेते हैं। गवर्नेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया था, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस हमने बोला था कि वो एक स्ट्रक्चर देता है ऑर्गेनाइजेशन को, और बिजनेस गवर्नेंस बिजनेस को आगे बढ़ाता है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, जितने भी ऑडिटर्स होते हैं, जितने फाइनेंस डिपार्टमेंट, HR डिपार्टमेंट, एडमिन डिपार्टमेंट, और जितने सारे ये R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, ये गवर्न करने में हेल्प करते हैं। लेकिन जो धंधा लेकर आता है, बिजनेस लेकर आता है, सेल्स वाला हो, बिजनेस डेवलपमेंट वाला हो, मार्केटिंग वाला बंदा हो, एडवर्टाइजिंग वाला बंदा हो, वो बिजनेस गवर्नेंस में आएगा। वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्योंकि बिजनेस चेंज हो रहा है, मार्केट चेंज हो रही है, उसको जैसे गाड़ी की बॉडी जो है, आप वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस मान सकते हैं, और गाड़ी के पहिए बिजनेस गवर्नेंस मान सकते हैं। तो पहिए बड़े फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, कहीं पर भी आप मूव कर सकें, लेकिन गाड़ी की बॉडी फ्लेक्सिबल नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी की बॉडी फ्लेक्सिबल होगी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो हमने ये बोला था, इसको दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, कन्फर्मेंस और परफॉर्मेंस। कन्फर्मेंस का मतलब कन्फर्मेशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। परफॉर्मेंस मतलब बिजनेस गवर्नेंस। अगर आप अपनी कंपनी में जाते हो और आपका वहाँ पर चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बैठता है,
या आपका जो सबसे सीनियर मोस्ट आदमी बैठता है, मैनेजिंग डायरेक्टर बैठा होता है, मैनेजिंग डायरेक्टर जब भी एडमिन वाले, आईटी वाले, फिनेंस वाले जब जाएं, वो कॉरपोरेट गवर्नेंस की बात करें, और जैसे ही सेल्स वाले बात उससे करें तो वो बिजनेस गवर्नेंस की बात करें। जनरली ऐसा होता है। और अगर कोई अच्छा मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इन्हीं टर्म्स में बात करेगा। अगर मैनेजिंग डायरेक्टर्स को गवर्नेंस के टर्म्स के बारे में पता होगा, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन के बारे में पता होगा, तो वो इन्हीं टर्म्स में बात करेगा। उसके अलावा हमने कहा कि कुछ समय हमने थोड़ा और सेग्रीगेशन किया। हमने सेग्रीगेशन करने के लिए हमने ये बोला, गवर्नेंस, कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर को बचाती है और बिजनेस गवर्नेंस सक्सेस को गारंटी करती है। यानी सक्सेस चाहिए तो बिजनेस गवर्नेंस होनी चाहिए। सेल्स वाले बिजनेस लेकर आए लेकिन फेलियर ना हो, इसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस सही होनी चाहिए। जैसे इनरॉन है, इनरॉन में बिजनेस गवर्नेंस सही थी लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस का फेलियर था। इनरॉन कंपनी खत्म हो गई, वर्टेल खत्म हो गई, कई बड़ी आर्थर एंड एंडरसन जैसी अकाउंटिंग फर्म खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि कॉरपोरेट गवर्नेंस वहां पर सही नहीं था। आजकल ऐसे लॉज हैं जो अगर मान लिया सपोज कोई कंपनी कुछ गलत काम करती है तो उस पर मैसिव पेनल्टी लग सकती है, उसकी बिजनेस रेपुटेशन खत्म हो सकती है और विद इन डेज वो कंपनी खत्म हो सकती है। पर्टिकुलरली बैंक्स में अगर पता चल जाए कि यहाँ पर सब ठीक नहीं चल रहा है, ये अपने कस्टमर को सर्विस नहीं कर पाएगी, तो अचानक मालूम पड़ा जितने भी उसके खातेदार हैं वो अगले दिन उस बैंक में पहुँच जाएंगे और कहेंगे हमें खाता बंद करवाना है। तो वहाँ कॉरपोरेट गवर्नेंस सही नहीं है। कॉरपोरेट गवर्नेंस बिजनेस के फेलियर को बचाती है लेकिन सक्सेस को ये जरूरी नहीं है। सॉरी, कॉरपोरेट गवर्नेंस बिजनेस के फेलियर को बचाती है लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है। बिजनेस गवर्नेंस सक्सेस की गारंटी है लेकिन फेलियर हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब दो अलग अलग चीज़ें, बड़ी अजीब चीज़ हैं, समझने में मुश्किल होगी लेकिन धीरे धीरे जब कॉन्सेप्ट को आपको समझ में आएगा तो धीरे धीरे इसका अर्थ आपको समझ में आने लगेगा। और हम सेग्रीगेट क्यों कर रहे हैं? सेग्रीगेट इसलिए कर रहे हैं कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाएं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को समझने में आसानी हो। उस ऑर्गेनाइजेशन में जाते ही हम उसके डिपार्टमेंट्स को दो भागों में डिवाइड कर दें और देखें कि टॉप मैनेजमेंट ने उन डिपार्टमेंट्स को दो भागों में डिवाइड किया है कि नहीं डिवाइड किया है। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के टॉप मैनेजमेंट को इन सब कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है। क्या जब मीटिंग होती है तो आपका जो MDA या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है या होल टाइम डायरेक्टर्स हैं वो इन टर्म्स में बात करते हैं कि नहीं करते हैं? उन्हें अवेयरनेस है कि नहीं है? उन्हें नॉलेज है कि नहीं है? उन्हें ओवरसाइट के बारे में पता है कि नहीं है? स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट के बारे में पता है कि नहीं है? उन्हें स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? उनको स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स के बारे में पता है कि नहीं पता है? और सबसे ऊपर उनको बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में पता है कि नहीं पता है? उस बैलेंस स्कोर कार्ड के बारे में बात होती है कि नहीं होती है? क्योंकि अधिकतर छोटी कंपनी जिनका टर्नओवर 100 करोड़, 50 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़ है, वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड की बात ही नहीं होती है। और जितनी भी सर्विस इंडस्ट्री में, वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड की बात होनी बहुत ज़रूरी है क्योंकि वहाँ स्ट्रेटेजिक गैप्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बिजनेस बड़ी तेज़ी से चेंज हो रहा है, IT तेजी से इन्वायरमेंट को चेंज कर रही है और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स बढ़ते चले जा रहे हैं। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या हैं, हमने पिछले सेशन में पढ़ लिए हैं। उसके अलावा एक चीज़ होती है बेस्ट प्रैक्टिसेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी टॉप मैनेजमेंट की होती है। अगर ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस नहीं है, उसकी बात नहीं हो रही है, तो इसका मतलब टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं है। कई कंपनी में तो टॉप मैनेजमेंट होगा भी नहीं, मतलब वहाँ नाम का टॉप मैनेजमेंट होगा, मैनेजमेंट टीम ही नहीं होगी। होगा तो टॉप मैनेजमेंट में आपस में बनती नहीं होगी, सब एक साथ नहीं होंगे, एक स्ट्रेटेजिक टीम नहीं होगी, एक कोहरेंट टीम नहीं होगी वहाँ पर। मैनेजमेंट टीम, और अगर एक अच्छी कंपनी होगी तो मैनेजमेंट में जो MD है वो कई बार MD प्रमोटर होता है, मालिक होता है, तो वो क्या करता है, मैनेजमेंट कमेटी बना देता है। वो कहता है कि ठीक है मैनेजमेंट, मैं तुम्हें स्ट्रेटेजी देता हूँ, तुम स्ट्रेटेजी बनाओ। उसके बाद वो नीचे HODs होते हैं, हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट होते हैं, वो ऑपरेशनल पोस्ट होती है, ब्रिगेडियर की तरह होते हैं। मैनेजमेंट टीम मतलब जनरल्स की तरह समझ लीजिए, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल और जनरल्स होते हैं। तो ये जनरल्स डिसाइड करते हैं, जो सीनियर VPs, इवन GMs मैनेजमेंट टीम का पार्ट होते हैं,
ये डिसाइड करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना है। और कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं और जीएम्स वगैरह स्टीयरिंग कमेटी का पार्ट फॉर्म करते हैं, स्टीयरिंग कमेटी, ताकि वो स्टीयर कर सकें। नीचे टीम होती है काम करने के लिए और वो देख रहे होते हैं कि जो स्ट्रेटेजी उन्हें बताई गई है वो स्ट्रेटेजी को वो आगे बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं। और कई कंपनीज़ में वैक्यूम होता है, जिन कंपनीज़ में वैक्यूम होता है उन कंपनीज़ का कॉर्पोरेट गवर्नेंस सही नहीं है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट टीम होना बहुत ज़रूरी है। और कई ऑर्गेनाइजेशन में जब साइजेबल एक लेवल ऑफ साइज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ स्टीयरिंग कमेटी होना बहुत ज़रूरी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस होना बहुत ज़रूरी है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, बेस्ट प्रैक्टिसेस के टर्म्स में बात नहीं हो रही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस का मेजरमेंट नहीं हो रहा है, वहाँ का मैनेजमेंट इनकॉम्पिटेंट है। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस इंटरप्राइज गवर्नेंस में क्या होंगी? इंटरप्राइज गवर्नेंस का मतलब कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस दोनों। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट, जो भी चीज़ें हो रही हैं क्या वो स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी पर नज़र रख रहा है कि नहीं रख रहा है। दूसरा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट दो भागों में होती है, पहला है रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क को कौन मैनेज करेगा? कॉर्पोरेट गवर्नेंस। लेकिन कितना रिस्क होना चाहिए वो कौन पता करेगा मार्केट में जाकर? बिजनेस गवर्नमेंट, क्योंकि मार्केट में कौन घूमेगा? सेल्स वाला घूम रहा होगा। तो रिस्क की क्या एपेटाइट होगी, कितना रिस्क होना चाहिए वो आकर बताएगा, और उसके बाद रिस्क को मैनेज करेगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस। इसके बाद एक्विजिशन प्रोसेस होती है, बोर्ड परफॉर्मेंस और एक्विजिशन प्रोसेस होती है। ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, पहले स्ट्रेटेजी, जो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, स्ट्रेटेजी को देखता है, रिस्क को देखता है, उसके बाद बोर्ड परफॉर्म कर रहा होता है, और अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, मतलब मर्जर एक्विजिशन है, वो मर्जर एंड एक्विजिशन किए जाते हैं। मर्जर एंड एक्विजिशन एक्विजिशन प्रोसेस होता है, वो टॉप मैनेजमेंट का डिसीजन होता है। बोर्ड परफॉर्मेंस जो होती है, बोर्ड की परफॉर्मेंस होती है, बोर्ड की परफॉर्मेंस किस टर्म्स में होगी? हमेशा स्ट्रेटेजिक टर्म्स में होगी, टैक्टिकल और ऑपरेशनल टर्म्स में नहीं होगी। स्ट्रेटेजी बनाएगा, बोर्ड का काम होगा कि बैठकर मीटिंग करेगा, चाय कॉफ़ी पिएगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेगा और एक स्ट्रेटेजी बनाएगा। उसका काम होगा स्ट्रेटेजी और रूल्स बनाना, चाय कॉफ़ी पीकर स्ट्रेटेजी और रूल्स बनाना। तो इसको फिर से देख लेते हैं एक बार, गवर्नेंस, गवर्नेंस को हमने दो भागों में डिवाइड किया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस। और गवर्नेंस में हमने ये जाना कि केवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस सक्सेस गारंटी नहीं करता, बिजनेस गवर्नेंस भी होना चाहिए, केवल बिजनेस गवर्नेंस सक्सेस गारंटी नहीं करता, कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी होना चाहिए। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस आइडेंटिफाई करने की कोशिश की, बेस्ट प्रैक्टिसेस स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट है पहला, दूसरा एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है, एक्विजिशन प्रोसेस है, बोर्ड की परफॉर्मेंस है, बोर्ड क्या परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद हमने ये जाना कि आईटी गवर्नेंस जो है वो आईटी सिक्योरिटी गवर्नेंस का पार्ट है, जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। तो बेसिकली अगर कोई पूछेगा कि आईटी गवर्नेंस क्या है, तो वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। और फिर आईटी, हमने ये जाना कि आईटी गवर्नेंस इवॉल्व कर रहा है, पहले वो बिजनेस इनेबलर था, अब स्ट्रेटेजिक विजन का पार्ट होता है, पहले वो एक बैसाखी था, अब वो बैसाखी पाँव के अंदर घुस गई है, अब पाँव के अंदर रॉड लगा देते हैं, पाँव का पार्ट हो जाती है वो रॉड, अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं तो वो पाँव का पार्ट हो गई, यानी इवॉल्व कर गई है। उसके बाद पिछले सेशन में हमने ये भी जान लिया था कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक डेमोक्रेटिक इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कंट्री मैच्योर इकोनॉमी है, डेवलप्ड कंट्री है, तो उसके पास उसी तरीके से लॉज होंगे और उसके नीचे उस वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे होंगे, और ऑर्गेनाइजेशन कटिंग एज में काम कर रहे होंगे और बेस्ट प्रैक्टिसेस ला रहे होंगे और वो कंट्री के लॉज को रिफाइन कर रहे होंगे, मतलब दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ी हुई हैं। अगर बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, बेस्ट प्रैक्टिसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेस्ट प्रैक्टिसेस आ रही हैं, तो वही बेस्ट प्रैक्टिसेस धीरे धीरे आके कंट्री की बेस्ट प्रैक्टिसेस, कंट्री की लॉ में दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, और कंट्री की लॉज में बेस्ट प्रैक्टिसेस होंगी वो ऑर्गेनाइजेशन में दिखना स्टार्ट हो जाएंगी। ये पूरा एक इकोसिस्टम है, कैपिटलिज्म एक पिलर है डेमोक्रेसी का, एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कई पिलर होते हैं, कैपिटलिस्टिक पूंजी वो भी एक डेमोक्रेसी का एक पिलर है। और वो क्यों पिलर है? क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी कंपनी में जाते हैं, एयरटेल का फ़ोन लेते हैं, तो हर बार आप उसके मोबाइल को रिचार्ज कराते हैं तो एक वोट दे रहे होते हैं, आपको जब वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप दूसरी जगह चले जाते हैं,
जब आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, क्यों खा रहे होते हैं? क्योंकि आप उस रेस्टोरेंट को वोट दे रहे हैं एक तरह से। लेकिन अगले ही मोमेंट में, अगले ही दिन आपको पता चलता है ये रेस्टोरेंट का खाना उतना अच्छा नहीं है, ये कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा रेस्टोरेंट सामने हो गया है, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं। तो आप क्या करते हैं, दूसरे रेस्टोरेंट में शिफ्ट हो जाते हो, यानी दूसरे रेस्टोरेंट को वोट देना चालू कर देते हो। अगर एक एयरलाइन एक एयर टिकट खरीद रहे होते हो, आपको वो पता चलता है कि इसमें जो टिकटिंग है उतनी अच्छी नहीं है, इसकी सर्विसेज हैं उतनी अच्छी नहीं है, या सर्विसेज गिर गई हैं, तो आप वहाँ जाने बंद कर देते हो। मैकडोनल्ड्स में आपको पता चलता है कि मक्खी निकल गई है कहीं दूर बेंगलोर में या मद्रास में, तो उस दिन इंडिया वाइड मैकडोनल्ड की सेल ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है सॉरी। आप मैकडोनल्ड में नहीं जाते हो, फिर आप कहते हो कोई दूसरे उसमें चले, आप वोटिंग अगले दिन से उसकी कम कर देते हो। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डे बाई डे डेमोक्रेटिक वे में काम कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा है, लेकिन वो रोज़ आपका वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए कॉरपोरेट गवर्नेंस और जो आपका बिजनेस गवर्नेंस है, दोनों होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम है। तो जितनी अच्छी कंट्री होगी उसमें कंपनीज उतनी सेंसिटिव होंगी। अगर कॉरपोरेट गवर्नेंस थोड़ी सी फेल होती है एक डेवलप्ड कंट्री में, तो शेयर होल्डर वो उसको वोट देना बिल्कुल बंद कर देते हैं, कंज्यूमर्स उसके वहाँ जाना बंद कर देते हैं, अगले दिन से उसे वोट यानी पैसा मिलना ख़त्म हो जाता है, लोग उस कंपनी में जाना कम कर देते हैं। और जैसे ही उस कंपनी में जाना कम हो जाता है, वो कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है, क्योंकि मार्केट में इतना कंपटीशन होता है, दूसरी कंपनी उसका जगह लेने के लिए तैयार होती है, कैपिटल मूव करने के लिए तैयार होता है। अगर एक पर्टिकुलर कंपनी है उसमें बड़े बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं और वो पैसे लगा रहे होते हैं, अगर उन्हें लगता है कि इसका कॉरपोरेट गवर्नेंस सही नहीं है, तो इंस्टेंटली वो दूसरी कंपनी में मूव कर जाते हैं, रातों रात कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है। एनरॉन वगैरह जैसी कंपनियों के साथ यही हुआ, वर्टेल जैसी कंपनियों के साथ यही हुआ, वो कंपनी बहुत पावरफुल थी लेकिन कॉरपोरेट गवर्नेंस फेलियर हो गया था। उनके पास बिजनेस अच्छा था, पैसे अच्छे थे, जो डेवलप्ड कंट्री में अभी वो उतना नहीं आया है, इसीलिए वो डेवलप्ड कंट्री है, उतना कंपटीशन नहीं है, चल जाता है। अंडर डेवलप्ड कंट्री में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो डेवलप्ड कंट्री है वहाँ पर प्रॉब्लम है। और वही चीज़ें बहुत तेज़ी से नीचे आ रही हैं क्योंकि आईटी आ रहा है। तो अगर हम एंटरप्राइज गवर्नेंस को डिफाइन करना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं, एक होलिस्टिक व्यू ले सकते हैं और ये कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ मीट आउट हो रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं, उसी के अनुसार स्ट्रेटेजिक गोल्स बनने चाहिए और उसी के अनुसार गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस अडॉप्ट होनी चाहिए। यानी गुड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, स्ट्रेटेजिक गोल्स और ऑर्गेनाइजेशन के कोई गोल्स एक साथ मिलने चाहिए और इनमें कोई ओवरसाइट गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि जो CFO है या जो CEO है या जो स्ट्रेटेजिकली जो टॉप मैनेजमेंट है, वो ये सारी चीज़ों को देखना चाहिए उसे। क्योंकि मैंने पिछले सेशन में भी बताया, कई बार क्या होता है जो टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं होता है, और क्योंकि टॉप मैनेजमेंट कॉम्पिटेंट नहीं होता है तो टॉप मैनेजमेंट जो है कई चीज़ें नहीं देख रहा होता है, वो अपनी सैलरी बचा रहा होता है केवल। वहाँ पर आदमी बैठे होते हैं, वो कहते हैं कि एक महीने की सैलरी और मिल जाए या छः महीने की सैलरी और मिल जाए, और सैलरी बहुत बड़ी सैलरी होती है और फिर वो आगे निकल जाते हैं। तो अगर सिंगल मैनेजमेंट कंपनी है, दो आदमी है मैनेजमेंट के, तो इसका मतलब सारी चीज़ें सही तरीके से नहीं होंगे, वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में होंगे। लेकिन अगर मान लिया सपोज़ आपका MD है और उसके नीचे मैनेजमेंट टीम है और उसके नीचे स्टेयरिंग कमेटी है और उसके नीचे ऑपरेशनल टीम है, तो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से काम करेगा, क्योंकि MD उन्हें विजन देगा, MD उनसे पूछेगा कि क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका एक रिपोर्टिंग पैटर्न होगा, वो ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे बैठेंगे, उनका काम ही ये होगा। उनको कोई काम इम्प्लीमेंट नहीं करना है, उनको स्ट्रेटेजी बनानी है और स्ट्रेटेजी बनाने के ही पैसे हैं, तो वो वहाँ पर आकर ये निकाल रहे होंगे कि क्या चीज़ गलत है क्या चीज़ सही है, वो ऑपरेशनल चीज़ों में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे। अगर एक अच्छा चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है आपकी कंपनी में, वो ऑपरेटिंग आपकी कंपनी अच्छी है, पहले सबसे पहले तो आपकी अपनी कंपनी एक इंस्टीट्यूशनलाइज कंपनी है, तो आपका चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रोज़मर्रा के काम में नहीं भाग ले रहा होगा,
वो केवल स्ट्रेटेजी डिफाइन कर रहा होगा और स्टीयरिंग कमिटी को दे रहा होगा, और स्टीयरिंग कमिटी देख रही होगी कि क्या हो रहा है। कई कंपनीज में इसीलिए क्या है कि बोर्ड में डायरेक्टर्स रखे जाते हैं, होल टाइम डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। आप सोचोगे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की क्या जरूरत है, जब भी कोई स्ट्रेटेजी बनती है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स बीच बीच में आते हैं और देखते हैं स्ट्रेटेजी में प्रॉब्लम्स निकाल देते हैं। वो बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बंदे होते हैं, मार्केट के उस मार्केट में 20-30 साल से रहे होते हैं, देखते ही पहचान लेते हैं कि स्ट्रेटेजी में ये प्रॉब्लम आ रहा है। उनको मार्केट के बारे में पूरी नॉलेज होती है, वो नीचे से ऊपर तक गए होते हैं मार्केट में, तो वो पिन पॉइंट कर लेते हैं कि स्ट्रेटेजिक मिस्टेक ये है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताते हैं कि ये, या स्ट्रेटेजिक कमेटी को बताते हैं कि ये मिस्टेक है। वो क्रिएटिव रूप से स्ट्रेटेजी को मैं प्रॉब्लम्स बताते हैं, उसके बाद रिफाइंड वे में स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स उस स्ट्रेटेजी को बनाते हैं, या स्ट्रेटेजी कमेटी उस स्ट्रेटेजी को बनाती है, और उसके बाद वो स्ट्रेटेजी स्टीयरिंग कमेटी को दे देती है। स्टीयरिंग कमेटी का काम स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करना नहीं है, स्टीयर करना है, देखना है कि स्ट्रेटेजी हो रही है कि नहीं हो रही है, और वो बोर्ड को बताते हैं कि ये स्ट्रेटेजी जो आपने डिटरमाइन की थी वो धरातल पर लाई जा रही है कि नहीं लाई जा रही है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन कौन डिपार्टमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा है, किसका एचओडी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, या किसका एचओडी इनकॉम्पिटेंट है, निकालो बाहर उसे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि इंटरप्राइज गवर्नेंस को दो भागों में डिवाइड कर दिया, कॉरपोरेट गवर्नेंस और बिजनेस गवर्नेंस, ताकि हमारी क्योंकि दोनों के काम अलग तरीके के हैं, एक का काम फास्ट मूवमेंट है और एक का काम स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर मूव नहीं करता, एक बिल्डिंग है उसका स्ट्रक्चर मूव नहीं करता। बिल्डिंग में अंदर चेंजेस हो सकते हैं लेकिन स्ट्रक्चर मूव नहीं करता। बिल्डिंग के अंदर जो काम आदमी आ रहे हैं, रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो आते हैं, नौकरी करते हैं, चले जाते हैं, लेकिन बिल्डिंग वहीं रहती है, एसी वहीं रहता है। एसी थोड़ा सा मूव कर सकता है साल भर बाद, लेकिन बिल्डिंग का स्ट्रक्चर मूव नहीं करता है। पेंट मूव कर सकता है, तो यानी कि वहाँ पर भी मूवेबल पार्ट्स हैं और नॉन मूवेबल पार्ट्स हैं। जो नॉन मूवेबल पार्ट्स हैं वो कॉरपोरेट गवर्नेंस है, लेकिन आज की डेट में कॉरपोरेट गवर्नेंस भी मूव कर रही है क्योंकि लॉज चेंज होते चले जा रहे हैं। आजकल मूवमेंट करने वाली बिल्डिंग होनी स्टार्ट हो गई हैं। वैसे अभी वो टाइम नहीं आया है, लेकिन कॉरपोरेट जो एंटरप्राइज गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है उसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस में कॉन्स्टेंटली अपने आप को देखना पड़ेगा कि मूवमेंट कितना मूवमेंट करने की ज़रूरत है और उसी अनुसार मूव करना पड़ेगा, क्योंकि आज की डेट में मार्केट भी बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है। तो कई बार क्या होता है कि आप कॉन्स्टेंटली अपनी मार्केट के पास जा रहे होते हैं। आज आपका ऑफिस एक जगह पर है, कल आप ऑफिस को शिफ्ट कर रहे होते हैं, तो एक तरह से आपकी बिल्डिंग मूव हो रही होती है। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा, इन सारे कॉन्सेप्ट्स का ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। वैसे एंटरप्राइज गवर्नेंस के बारे पहले से जो गवर्नेंस है वो एंटरप्राइज गवर्नेंस ही है। एंटरप्राइज गवर्नेंस क्या होता था पहले से? एंटरप्राइज गवर्नेंस बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या प्रैक्टिसेस थी जो बोर्ड और एग्जीक्यूटिव मीट आउट करते थे, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन देते थे, लीस्ट कॉस्ट अप्रोच अपनाते थे, मतलब कम से कम ऑर्गेनाइज या ऑप्टिमम कॉस्ट अप्रोच अपनाते थे, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से यूज़ करते थे, रिस्पॉन्सिबली यूज़ करते थे, रिस्क को देखते थे, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट एक स्ट्रेटेजिक इश्यू है, टॉप मैनेजमेंट इशू है, वो जो है टॉप मैनेजमेंट देखेगा। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स होगा वहाँ पर, बुरा मैनेजमेंट होगा तो रिस्क मैनेजमेंट मैट्रिक्स नहीं होगा। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाएगा। लेकिन अब हमने नज़रिया चेंज किया क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन तेज चलने लगा। पहले जो ऑर्गेनाइजेशन सालों साल जिंदा रहता था, अब वो ऑर्गेनाइजेशन सालों साल जिंदा नहीं रहने लगा। अब उसको अपनी सर्विस का लेवल चेंज करना पड़ा, कई जगह तो प्रोडक्ट ही खत्म हो गया, जैसे कोडक के साथ हुआ। कोडक का मैंने एग्जांपल दिया, कोडक आपके केमिकल रील का कैमरा बनाता था और डिजिटल कैमरे का उसी ने आविष्कार किया। उस वो डिजिटल कैमरे को अडॉप्ट नहीं कर पाया, मार्केट में चारों तरफ डिजिटल कैमरे हो गए, कोडक एक दिन अचानक बैंकरप्ट हो गया। तो एंटरप्राइज गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है और आज तो उसकी इम्पॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है, इसीलिए हमने उसे दो भागों में डिवाइड किया है और उसमें आईटी गवर्नेंस और इम्पॉर्टेंट होता चला जा रहा है। आईटी गवर्नेंस फिलहाल जो है आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है।
अच्छा एक चीज़ ध्यान देनी होगी, परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, बिजनेस गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इंटरप्राइज गवर्नेंस के दो ट्विन डायमेंशन हैं, दो डायमेंशन हैं, एक कन्फर्मेंस और दूसरा परफॉर्मेंस, एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस और एक बिजनेस गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक तराजू में दोनों रखे जाएं और दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं, दोनों बराबर नहीं है। धंधा बहुत इंपॉर्टेंट है, बिजनेस आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में एंटरप्राइज गवर्नेंस में कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, दूसरा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनल कंट्रोल भी है जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट है जो आपका बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट है, पार्टली बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट है, पार्टली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है। अगर रिस्क को मैनेज करना है तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कोई भी चीज़ मैनेज करनी है ऑर्गेनाइजेशन के रिस्पेक्ट में तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट हो जाती है। कोई भी चीज़ परफॉर्म करनी है या देखना है मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, तो क्या रिस्क एपेटाइट है मार्केट की, तो वो बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट हो जाती है। इसके बाद हमारी स्टडी में कैटेगराइज करने की कोशिश की है कि कन्फर्मेंस या कॉर्पोरेट गवर्नेंस उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। उसमें जो आप बोर्ड क्रिएट करते हो, एक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, उसका ऑडिट कमिटीज़ बनाते हो, रेम्यूनरेशन क्या होगा, नॉमिनेशन क्या होगा, इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, लोगों के रूल्स क्या होंगे, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी कन्फर्मेंस में आई, ये सारी चीज़ें जो है आपकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होंगी। दूसरा है आपका बिजनेस गवर्नेंस। बिजनेस गवर्नेंस बेसिकली क्या है, स्ट्रेटजी बनाना, वैल्यू क्रिएट करना। जब आप स्ट्रेटजी बना रहे हो, स्ट्रेटजिक डिसीजंस ले रहे हो, तो परफॉर्मेंस का पार्ट हो जाते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बना रहा है, जो स्ट्रक्चर हमने क्रिएट किया है, वो तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट है, लेकिन स्ट्रेटजिक डिसीजंस लेना या अंडरस्टैंड करना कि क्या रिस्क ले सकती है ऑर्गेनाइजेशन, और मार्केट में जाना, बिजनेस लेकर आना, वो परफॉर्मेंस का पार्ट होते हैं, बिजनेस गवर्नेंस का पार्ट होते हैं, धंधा लाने का पार्ट होते हैं। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस अपने आप में पूर्ण नहीं है, ना ही बिजनेस गवर्नेंस अपने आप में पूर्ण है, दोनों का बैलेंस होना चाहिए, लेकिन पल्ला जो है वो बिजनेस गवर्नेंस की तरफ भारी है। क्योंकि सेल्स वाला जब अगर बिजनेस लेकर नहीं आएगा, पैसा लेकर नहीं आएगा, सेल्स लेकर नहीं आएगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का कोई अर्थ नहीं होगा। आप कितने ही बढ़िया 5-स्टार होटल बना दें, लेकिन अगर कस्टमर नहीं आ रहे हैं तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कस्टमर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कस्टमर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यह है कि पैसा नहीं आ रहा है। तो इससे पहले आगे बढ़ें, हम फिर से एक बार समराइज कर लेते हैं। एंटरप्राइज गवर्नेंस, एंटरप्राइज गवर्नेंस में हमने दो भागों में डिवाइड किया, बिजनेस गवर्नेंस और आपका परफॉर्मेंस। तो एक है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, दूसरा है बिजनेस गवर्नेंस, और उसके बाद हमने ये बोला कि स्ट्रेटेजिक क्यों हमने ये डिवाइड किया, क्योंकि स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स एक तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रहे थे। स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स क्या हैं? स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के फंडामेंटल्स चेंज हो जाते हैं। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, $1 billion अपॉर्चुनिटी मार्केट में क्रिएट हो जाती है, या ऑर्गेनाइजेशन खत्म होने की कागार में स्टार्ट हो जाता है, उसका एंड स्टार्ट होने लगता है, बिगनिंग ऑफ एंड, उसके एंड की शुरुआत स्टार्ट हो जाती है। तो बिजनेस फंडामेंटल जब चेंज होंगे, ये दो चीज़ें होंगी। बिजनेस फंडामेंटल चेंज होंगे तो यानी कि बिजनेस ओवरशूट कर जाएगा, रातों रात बिजनेस कंपनी खड़ी हो जाएगी, रातों रात बिल गेट्स खड़ा हो जाएगा, रातों रात अंबानी खड़ा हो जाएगा, रातों रात आपका विप्रो का चीफ खड़ा हो जाएगा, अजीम प्रेमजी क्रिएट हो जाएगा, रातों रात मार्क जुकरबर्ग क्रिएट हो जाएगा, रातों रात गूगल के लैरी पेज और सरगई ब्रेन क्रिएट हो जाएंगे, या फिर अचानक अगली सुबह कोडेक जैसी कंपनी ख़त्म हो जाएगी, बड़ी बड़ी कंपनी बैंकरप्ट हो जाएंगी। वो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट है, और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो ज़्यादा आने लग गए हैं, क्योंकि IT बढ़ रहा है। 5 साल में पूरी IT की जनरेशन चेंज हो जाती है, चीज़ें बड़ी तेज़ी से चेंज हो जाती हैं। तो क्योंकि चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो
तो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं, और स्ट्रेटेजिक इन्फ्लेक्शन पॉइंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट की बहुत ज़रूरत है। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी को देखे, उसको मेजर करे, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत है। अगर वो स्ट्रेटेजी को नहीं देख रहा है, एक वॉर हो रहा है, जनरल अगर स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टेंटली चेंज नहीं कर रहा है तो मालूम पड़ा जनरल वॉर हार जाएगा। और आज की सिचुएशन में यही चीज़ें हैं। स्ट्रेटेजिक चेंज करना, स्ट्रेटेजी देखना, स्ट्रेटेजी को कॉन्स्टेंटली रिव्यू करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर गैप है उसे स्ट्रेटेजिक ओवरसाइट गैप कहते हैं, और वो गैप्स जो हैं प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, और उसी के लिए बैलेंस स्कोर कार्ड है, उसी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। ऑर्गेनाइजेशन कोई स्ट्रेटेजी को देखना है तो उसे बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। ना केवल पता होना बहुत ज़रूरी है बल्कि ऑर्गेनाइजेशन में उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है बेस्ट प्रैक्टिसेस का। और ना केवल बेस्ट प्रैक्टिसेस का इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है बल्कि जो आपकी मेजरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में मेजरमेंट प्रॉब्लम है। चीज़ों को कई बार आप स्ट्रेटेजिक लेवल पर मेजर नहीं कर पाते हो, तो वहाँ पर बैलेंस स्कोर कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट में जनरली, क्योंकि उन्हें सेल्फ अप्रेजल, टॉप मैनेजमेंट के पास सेल्फ अप्रेजल राइट होते हैं, वो खुद का अप्रेजल कर सकते हैं, लेकिन वो चाहते नहीं है कि खुद का अप्रेजल हो, क्योंकि खुद का अप्रेजल होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। कोई आदमी नहीं चाहता कि उसका अप्रेजल हो, लोग उसे देखें, उस पर क्वेश्चन उठाएं, कोई नहीं चाहता, क्योंकि मेजरमेंट होगा तो काम करना पड़ेगा, और हो सकता है नौकरी से निकाला भी जाए, उन पर जजमेंट पास कर दिया जाए। तो इसलिए ऑर्गेनाइजेशन में टॉप मैनेजमेंट जो है वहाँ पर स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स का मेजर नहीं होता, और जब स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हो जाते हैं तब पता चलता है स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स हो गए, और तब भी वो छुपाने की कोशिश करते हैं। वो कोशिश करते हैं जितने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स छुपे, उनके टॉप मैनेजमेंट चाहता है कि उसके जितने भी स्ट्रेटेजिक ब्लंडर्स छुप सकें उतने छुपाए जाएं, और ऑर्गेनाइजेशन एक दिन ख़त्म हो जाता है। डेवलप कंट्री में ये बहुत ज़्यादा हुआ है, और इनरॉन जैसी कंपनी के साथ हुआ है, वर्टेल कंपनी के साथ हुआ है, लेकिन वहाँ पर क्या है, शेयर होल्डर हैं, शेयर होल्डर कैपिटल को मूव कर देते हैं। अगर आप वैल्यू नहीं दे रहे हो, वहाँ के शेयर होल्डर इंस्टेंटली कैपिटल को मूव कर देते हैं। अगर उन्हें पता चल जाता है रिलायंस जैसी कंपनी में कुछ गड़बड़ी है, तो कल की डेट में रिलायंस के शेयर्स औंधे भाव गिर जाएंगे, और एक बार गिरेंगे तो फिर उठ नहीं पाएंगे। वहाँ के शेयर होल्डर्स के पास अवेयरनेस है, क्योंकि उन्हें पता है रिलायंस जैसी कंपनी, वहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि रिलायंस जैसी कई कंपनी पैदा होती है, कई कंपनी बंद होती है। इंडिया में एक कंपनी बनती है और सालों साल चलती है, तो टॉप मैनेजमेंट किंग हो जाता है, राजा हो जाता है, उसे लगता है कि वो कभी नहीं गिरेगा।